स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग प्रोसीजर क्या था, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया था। आज हम पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाया गया था, उसमें जो प्रोविजंस को ऐड किया गया वो कहाँ, किन किन कंट्रीज से लिया गया। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, प्रोविजंस बोरोड फ्रॉम द अदर कॉन्स्टिट्यूशंस, अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, सबसे पहले है ब्रिटेन, कि ब्रिटेन से हमने किन किन चीज़ों को अडॉप्ट किया है। ब्रिटेन से हमने पहला जो हमारा वो आता है वो अडॉप्ट किया है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी कि FBTP सिस्टम, कि हमारे यहाँ पर MPs MLAs के जो इलेक्शंस होते हैं वो इसी सिस्टम से, इसी मेथड से होते हैं। सेकेंड आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म है, जहाँ पर कि एक प्रेसिडेंट होता है और दूसरा प्राइम मिनिस्टर होता है। इसके बाद आता है रूल ऑफ लॉ, कि रूल ऑफ लॉ है, ये हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है। और नेक्स्ट है लॉ मेकिंग प्रोसेसर, कि हमारे यहाँ पर जो रूल बनाने के, जो लॉ बनाने का प्रोसेसर है वो हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है। तो ब्रिटेन से हमने ये चार चीज़ें अडॉप्ट की हैं। इसके बाद आता है US अमेरिका, कि अमेरिका से हमने क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट की है। अमेरिका से हमने अडॉप्ट किया है चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि फंडामेंटल जो राइट्स हमारे यहाँ पर हैं वो हमने अमेरिका से अडॉप्ट किया है। इसके बाद आता है जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, जो जुडिशरी के पास पावर्स होती हैं, कि गवर्नमेंट कोई भी जब कोई नया कानून बनाती है तो जुडिशरी के पास ये अधिकार है कि वो उस कानून को चेक कर सकती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसे कैंसिल कर सकती है। इसके बाद आता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कि हमारे यहाँ की जुडिशरी जो है पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, वो गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करती है। नेक्स्ट है इम्पीचमेंट प्रोसेस, कि इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है। इम्पीचमेंट प्रोसेस होती है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस और प्रेसिडेंट को जो हटाने का जो प्रोसेस है उसे इम्पीचमेंट प्रोसेस कहा जाता है। इसके बाद आता है आयरलैंड, कि आयरलैंड से हमने क्या चीज़ अडॉप्ट की। आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनको हमने आयरलैंड से अडॉप्ट किया है। फिर आता है फ्रांस, कि फ्रांस से जो हमने चीज़ अडॉप्ट किया है वो आइडिया ऑफ लिबर्टी फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी, कि आपने 10th में पढ़ा होगा कि वहीं से इन चीज़ों का हुआ था, कि लिबर्टी का जो है फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी, जो ये तीनों हैं जो हमने अपने फंडामेंटल राइट्स में भी ऐड किए हुए हैं, इनको हमने फ्रांस से लिया है। इसके बाद आता है कैनेडा, कि कैनेडा से हमने क्या लिया है। कैनेडा से जो हमने प्रोविज़न अडॉप्ट किया है वो है इक्वासी फेडरल सिस्टम, कि फेडरल सिस्टम आपने 10th में पढ़ा होगा कि सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स को डिवाइड किया जाता है, कि दोनों के अलग अलग अधिकार क्षेत्र है। तो क्वासी फेडरल सिस्टम जो है ये हमने कैनेडा से अडॉप्ट किया है। इसके बाद आता है रशिया, कि रशिया से हमने क्या चीज़ें अडॉप्ट की हैं। रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, कि जो हमारे यहाँ सिटीजन्स हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं, उनकी कुछ ड्यूटीज़ हैं, तो ये हमने रशिया से अडॉप्ट किया है। तो स्टूडेंट्स, ये प्रोविजंस हैं जो हमने अलग अलग कंट्रीज से अडॉप्ट किया है, और इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए कहा जाता है कि हमने जो ये प्रोविजंस हैं ये अलग अलग कंट्रीज से लिए हुए हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये प्रोविजंस हमने केवल सिर्फ इसलिए नहीं लिए कि वो दूसरे कंट्रीज़ में थे, हमने उन्हीं चीज़ों को हमने अडॉप्ट किया है जो इंडियन उस सिचुएशन में, इंडियन कंडीशंस में जो प्रोविजंस सही बैठते हैं, यानी कि इंडिया के लिए जो सूटेबल हैं, उन्हीं प्रोविजंस को हमने अडॉप्ट किया हुआ है। सो स्टूडेंट्स, हमने जो अपने प्रोविजंस को अडॉप्ट किया है वो कहाँ से, ब्रिटेन, US, आयरलैंड, फ्रांस, कनाडा, रशिया। इसके अलावा हमने जापान से भी कुछ एक प्रोविज़न को लिया है, ऑस्ट्रेलिया से भी लिया है, इसके अलावा हमने अलग अलग कंट्री से लिया है, लेकिन ये जो मेन प्रोविजंस थे जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए हैं, ये इन 6 कंट्रीज से हमने इनको अडॉप्ट किया है। थैंक यू फ्रेंड्स।